नमस्कार, मैं हूं अमित छाबड़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट। जयपुर ज्वेलरी शो के 13वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में सीएम राजे ने सब्सिडी टैक्स, सफाई और कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। सीएम ने साफ किया कि अगर लोगों को पीने का पानी, 24 घंटे बिजली और विकास चाहिए तो उनको टैक्स देना होगा। सीएम राजे ने जेडीए के नवनिर्मित और प्रस्तावित 845 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सफाई व्यवस्था पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि जनता के प्रयास से जयपुर साफ और सुंदर बनी है। बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी 24 दिसंबर को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन करने जा रहे हैं। शनिवार को तिवाड़ी ने अपने जन्मदिन के मौके पर जालूपुरा निवास पर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तिवाड़ी समर्थकों ने इसके बाद जालूपुरा से लेकर स्टैचू सर्कल तक वाहन रैली निकाली। घनश्याम तिवाड़ी ने अपने समर्थकों को सत्ता खेमे के खिलाफ लामबंद होने का संदेश दे दिया है। सत्ता और संगठन में हाशिए पर किए जाने से नाराज तिवाड़ी ने इशारों में बहुत कुछ कहा, लेकिन साफ साफ कुछ भी कहने से मना कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब तिवाड़ी ने संघर्ष का ऐलान किया है। घनश्याम तिवाड़ी ने गुरु गोविंद सिंह के नारे और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के सहारे बीजेपी के सत्ता खेमे पर इशारों में निशाना साधा है। तिवाड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई का नारा दिया। प्रतापगढ़ में जल स्वावलंबन योजना की सुस्त चाल देखकर मंत्री नंदलाल मीणा भड़क उठे। मंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और काम में सुधार की नसीहत दी। उदयपुर में मनरेगा की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मनरेगा में काम की प्रगति नहीं होने पर ग्राम सचिवों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने फटकार लगाई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत अब गांवों में पानी की समस्या का जल्द समाधान होगा। योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 21,000 गांवों को जोड़ा जाएगा, जिसमें जयपुर के 197 गांव शामिल हैं। इसी को लेकर जयपुर के प्रभारी मंत्री कालीचरण सराफ ने योजना से जुड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान कई सरपंचों और प्रधानों ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई गांव जेडीए के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं, तो कैसे गांवों में इस योजना को लागू किया जाएगा। इस पर जिला प्रभारी मंत्री कालीचरण सराफ ने अधिकारियों को आदेश दिए कि इनकी समस्या का जल्द समाधान होगा। दो दिन के दौरे पर धौलपुर पहुंचे जिला प्रभारी सचिव अभय कुमार ने दौरे के दूसरे दिन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान प्रभारी सचिव ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में सभी की भागीदारी की अपील की। अभियान के पहले साल के लिए चयनित सभी 116 गांवों के जल बजट को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की बैठक के बाद प्रभारी सचिव ने जिले के उद्यमियों की बैठक लेकर उनकी समस्याएं सुनी। अनूपगढ़ में अतिक्रमण हटाओ मुहिम की चपेट में आए लोगों के पास विधायक शिमला बावरी पहुंची और लोगों को ढाढ़स बंधाया। दरअसल अनूपगढ़ शाखा के किनारे हुए अतिक्रमणों को हटाने के कोर्ट के आदेश के बाद रावल मंडी का इलाका सख्ते में है। इस अतिक्रमण में लगभग 400 घर आते हैं जो पिछले 40 साल से वहां रह रहे हैं। इनमें से आधे से ज्यादा घर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे साफ हो जाएंगे। इतनी भयंकर सर्दी में इन लोगों को अपने सिर के ऊपर छत छिन जाने का डर है। सवाईमाधोपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश वर्मा की अध्यक्षता में रिव्यू समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जिले में सीएम दौरे के दौरान दिए गए निर्देशों को रिव्यू करने के लिए थी। जयपुर में ऑल राजस्थान एग्रीकल्चरल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा आयोजित हुई। इस सभा में मेयर निर्मल नाहटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कोटा की कृषि उपज मंडी भामाशाह मंडी को और बेहतर बनाने की तैयारी चल रही है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में मंडी को ई ऑक्शन, ई ट्रेडिंग, ई पेमेंट की ओर ले जाने के लिए पहल शुरू की गई है। इसको लेकर कोटा की भामाशाह मंडी में कृषि मंडी मंत्री प्रभुलाल सैनी, सांसद ओम बिरला सहित नगर विकास न्यास और वन विभाग के अधिकारियों ने दौरा किया। डायवर्जन के लिए 73 हेक्टेयर वन भूमि की जमीन पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जिस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार के मामले को जी राजस्थान न्यूज ने
जो दिखाया था उसका खुलासा किया था, उसका बड़ा असर हुआ है। सफाई चेयरमैन अनिल शर्मा, प्रकाश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने महापौर को लिखित में इस्तीफा दे दिया है, साथ ही तीसरे चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान न्यूज ने तीनों सफाई चेयरमैन अनिल शर्मा, प्रकाश गुप्ता और दिनेश अमन की आपस में बातचीत और ठेकेदार से बातचीत का खुलासा किया था। रिश्वतखोरी, ठेकेदार से सांठगांठ की बातचीत का ये सब खुलासा हुआ था। डूंगरपुर के विनेश्वर धाम पर राजस्थान ग्राम सेवक संघ का 50वां स्वर्ण जयंती समारोह और जिला स्तरीय अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में ग्राम स्वराज का सारथी पुस्तक का विमोचन भी किया गया। वहीं समारोह के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने संघ कार्यालय के लिए भूमि आवंटित, स्थानांतरण नीति और योजना संबंधी कार्यों समेत कई मांगे रखी। राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहे नदी नालों की भूमि पर अतिक्रमण के दो अलग अलग मामलों में कोर्ट के निर्देशों पर उपखंड प्रशासन ने कार्रवाई की और कोठी गांव में 5 परिवारों के पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राजवीर सिंह यादव, 10 पटवारी, 3 गिरदावर शामिल थे। दरअसल नई कोठी के दो पक्षों में पेड़ों को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के मकान नदी नाला किस्म की भूमि पर बने होने की एक दूसरे की शिकायत थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के मकानों को तोड़ने के निर्देश दिए। जोधपुर जेल में दुष्कर्म के मामले में बंद आसाराम के अभी भी कई समर्थक हैं। ऐसा ही एक समर्थक शिक्षक बाड़मेर के धोलाडेढ़ के प्राथमिक स्कूल में है, जो गांव में बच्चों को स्कूली सिलेबस प्रार्थना सभा में बच्चों से आसाराम चालीसा करवा रहा था। प्रार्थना में सरस्वती की जगह आसाराम की तस्वीर रखकर बच्चों से जबरन उसकी पूजा करवाई जाती थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। आसाराम समर्थक इस शिक्षक का नाम मोटाराम है। मोटाराम बच्चों को परीक्षा में ज्यादा अंक देने की बात कहकर आसाराम का पाठ पढ़ने को मजबूर करता था। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले को लेकर विवाद शुरू है। बॉलीवुड के किंग खान के असहिष्णुता पर दिए गए बयान के बाद उनकी फिल्म को हिंदुवादी संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर में भी इस फिल्म का वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। बाड़मेर के लक्ष्मी सिनेमाघर में फिल्म लगने पर इसके पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जगह जगह लगे पोस्टरों को जला दिया। अजमेर स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। शहर की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद है। अब शहर की सुरक्षा तीसरी आंख के जरिए भी की जाएगी। अजमेर आईजी मालनी अग्रवाल ने सिटी सर्विलेंस प्रोजेक्ट कमेटी की बैठक ली। बैठक में शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के स्थानों का चयन किया गया। आईजी अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार जयपुर समेत प्रदेश के 6 संभाग मुख्यालय पर रिलायंस जियो के साथ सिटी सर्विलेंस प्रोजेक्ट लेकर आई है। पहले चरण में रिलायंस कंपनी 4G टावर लगाने के साथ उन पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए। बाड़मेर जिले के मालदेता गांव में प्रेमी युगल के शादी करने पर तालिबानी फरमान सुनाने का मामला सामने आया है। पंच ने प्रेमी जोड़े पर 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। जुर्माने का विरोध करने पर समाज के पंच विवाहित जोड़े और परिजन के दुश्मन बन गए और समाज में हुक्का पानी बंद करा दिया। जोधपुर में हुए स्कूल बस हादसे में घायल जिया का हाथ काट दिया गया है। जिया का हाथ बचाने की डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। बेटी का हाथ काटे जाने से उसकी मां का रो रोकर बुरा हाल। दरअसल एक स्कूल की बस पलट जाने से मासूम जिया घायल हो गई थी। उसका हाथ न काटना पड़े इसके लिए एमडीएम अस्पताल के डॉक्टरों ने काफी जद्दोजहद की, लेकिन नाकाम रही। श्रीगंगानगर में डेंगू की वजह से बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट की जान चली गई है। मृतक डिप्टी कमांडेंट का नाम रामलाल था और वो दौसा जिले का निवासी था। शुक्रवार को ही उन्हें श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी लगने पर बीएसएफ के आलाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। दौसा जिले के रहने वाले रामलाल बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट थे और वे रायसिंह नगर में तैनात थे। सीकर के मीनाक्षी सिनेमा हॉल के पास पावर हाउस में बिजली का काम करते समय करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिजली कर्मचारी ओम प्रकाश जांगीड लाइन ठीक करने का काम कर रहा था कि अचानक बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई। उधर परिजनों ने मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शव
लेने से इनकार कर दिया है। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस और पूर्व मंत्री राजेंद्र पारीख भी मौके पर पहुंचे। पुलिस और अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए। कोटा के भदाना से लेकर नॉर्दर्न बाईपास से जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस रोड को लंबे समय से चौड़ा करने की मांग चल रही थी, जो कि पूरी हो जाएगी। 3 फीट की रोड को 7.5 फीट का किया जाएगा। 2,46,00,000 की लागत से बन रहे इस सड़क का काम अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। झालावाड़ के भवानी मंडी के पास पीपलाद डैम का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने से किसान परेशान है। आंवली गांव की नहर के अंतिम छोर के गांव खोखरिया, मेहंदिया, खेड़ी समेत कई गांवों को नहर का पानी नहीं मिल रहा है और खेत सूख रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जल संसाधन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अस्थायी रूप से नहर की लीकेज को मिट्टी के कट्टे और पत्थर डालकर अस्थायी रूप से बंद किया है, लेकिन अज्ञात लोगों ने उसे लीकेज को फिर खोल दिया, जिससे आगे के गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। बूंदी में नहर का 20 फीट हिस्सा टूट गया है। नहर टूटने से खेतों में पानी भर गया, पानी से खेतों पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि समय पर मरम्मत नहीं होने से नहर टूटी है। वहीं अधिकारियों ने मुख्य नहर को बंद करवाया। मंगली नदी एक्वा गार्ड चेन 10 से 15 के पास नहर की दीवार टूटी है। सपोतरा के नारोली डांग में नलकूप की मोटर खराब होने की वजह से पानी की सप्लाई 10 दिन से बंद है। सप्लाई बंद होने की वजह से इलाके में पेयजल संकट गहरा गया है। दूसरी ओर ग्राम पंचायत की सिंगल फेज नलकूप और कोली मोहल्ले में लगे हैंडपंप के खराब होने की वजह से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से कई बार की, बावजूद इसके अभी तक समस्या का निदान नहीं हुआ। बांसवाड़ा में हेमू कॉलोनी के इलाहाबाद बैंक में देर रात चोर घुस गए, लेकिन 3 घंटे बैंक के अंदर रहने के बावजूद चोर लॉकर नहीं तोड़ पाए और खुद ब खुद वहां से चले गए। जिस उम्र में पढ़ाई और करियर बनाना चाहिए, उस उम्र में चुरू जिले के युवा हथियार उठा रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि चुरू जिले के विभिन्न पुलिस थानों की हिस्ट्री शीट ये बात कह रही है। जिले में हाल ही में हुए आपराधिक वारदातों के आंकड़े भी इस ओर तस्दीक कर रहे हैं। चुरू में महिला पुलिस थाने को छोड़कर 18 पुलिस थानों में 145 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खुली है। इसमें चिंता की बात यह है कि 145 में से 50% यानी 75 अपराधी ऐसे हैं जिनकी उम्र 19 से 35 साल की है। झालावाड़ में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेशकीमती कृषि भूमियों की रजिस्ट्री का खेल जारी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 6 साल पहले जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी जमीन की रजिस्ट्री भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हो चुकी है। इस मामले में तहसीलदार और रजिस्ट्रार विभाग भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब 6 महीने से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो रही थी तो फिर पहले मामला दर्ज क्यों नहीं कराया गया। फिलहाल प्रारंभिक जांच में मध्यस्थता कर धोखाधड़ी करने में सबसे पहला नाम रोहित सुमन का है। श्रीगंगानगर जेल से पेशी पर हनुमानगढ़ कोर्ट में लाए जा रहे विचाराधीन कैदी की हत्या करने आए 2 युवकों को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 2 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।